मसीह खुदावंद में आपकी शांति हो। प्रोग्राम आवाज़ हक के साथ आपका होस्ट हारून यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जीपीसी चर्च में जो कि यूहन्नाबाद में मौजूद है और यहाँ पे रिवाइवल फॉर यूथ की तरफ से एक प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसका ख़ास करके जो नाम है वो प्रे फॉर पाकिस्तान रखा गया है। और हम इस बात को भी जो है वो आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये 14 अगस्त के हवाले से रखा गया है और ख़ास करके जब हम इस मुल्क के पाकिस्तान में रहते हैं और एज ए माइनॉरिटी रहते हैं तो भी हम अब पाकिस्तान की जो खुशियां हैं, पाकिस्तान की जो आज़ादी का जो दिन है उसी तौर से जोशो खरोश के साथ मनाते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए उतने ही हकूक रखते हैं और जितने के दूसरी जो कौमें हैं वो रखती हैं। और हम भी अपने दिल में उतना ही जज्बा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए रखते हैं, अपने लोगों के लिए रखते हैं और चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो इसी तरह से दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। और जिस तरह से हम इस बात को भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये 75वां जो है वो इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं और ख़ास करके इस बात को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे क्रिश्चियन हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, वो किसी तौर से भी पाकिस्तान के इस अहम तरीन दिन में पीछे नहीं हैं बल्कि वो अपने चर्चेज में इनाकाद कर रही हैं, वो अपने इलाकों में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। और ख़ास करके ये प्रोग्राम इस बात के लिए भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पे जो है वो सिर्फ नौजवानों को नहीं बल्कि पासवानों को भी जो है वो दावत दी गई है। तो आए नाज़रीन, हम उन नौजवानों से भी बात करते हैं और उन पासवानों से भी बात करते हैं जो कि इस प्रोग्राम में आए और उनसे उनके जो ख्यालात हैं उनके बारे में हम जानते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर याकूब गिल साहब और हम उनसे पूछेंगे कि रिवाइवल ने ये जो आज प्रोग्राम किया प्रे फॉर पाकिस्तान और ख़ास करके 14 अगस्त के हवाले से और बहुत सारे खादमीन को उन्होंने यहाँ पे दावत दी, तो सर आप क्या समझते हैं कि रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप का ये जो प्रोग्राम है वो किस तौर से जो है वो हमारी कौम के लिए या हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई सुहेल का और उनकी सारी टीम का जिन्होंने हमें दावत दी कि इस प्रोग्राम में शामिल हों। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज़रूर है कैसे और प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएं जिसमें यूथ का बोझ नज़र आए और ख़ास तौर से पाकिस्तानी मसीहियों को अपने हकूक़ हासिल करने के हवाले से अवेयरनेस दी जाए और साथ साथ सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है दुआ की जाए। सो इस सारे प्रोग्राम के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, बड़ा अच्छा कामयाब प्रोग्राम था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया पर्सन जी। अभी हमारे साथ थॉमस भाई हैं जो कि एक एवेंजलिस्ट भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया 14 अगस्त के हवाले से, तो सर आप क्या समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम हमारी माइनॉरिटी को, हमारे लोगों को अपने चर्चेज में मुनक्कद करने चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इस तरह की अवेयरनेस हमारे लोगों को मिलेगी, स्पेशली हमारे जो पास्टर्स हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी कलीसियाओं में जाके लोगों में अवेयरनेस को पैदा करें। अवेयरनेस होगी तो बच्चे स्टेप अप होंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकेंगे। हमें चाहिए जो हमारे पास्टर्स हैं, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, वो बच्चों को मतलब हर जाविये से देखें, एजुकेशन के हिसाब से, पॉलिटिकली देखें, दूसरी हर जाविये से देख के उनको आगे बढ़ने की तरगीब जो है वो दे सकते हैं। और यही सबसे अहम हमारे लिए एक हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी लाइक जैसे हमारे चर्चेज के प्लेटफॉर्म हैं और हमारे पास्टर्स जो हैं उनको ये चाहिए कि हर बच्चे पर उतनी ही मेहनत करें ताकि हम पाकिस्तान में रहते हुए, पाक धरती पर रहते हुए हम यहाँ पर ग्रो कर सकें और पाकिस्तान के लिए और अपने खुदावंद के लिए, खुदावंद की बादशाही के लिए बच्चों को तैयार कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़िंदगी में रहते हुए हर एक सेक्टर की तरफ जो है हमें पूरे तौर पर उसको फोकस करना है ताकि बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए और बच्चे जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ इस पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल हों और खुदावंद के बादशाह के लिए भी तैयार कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया थॉमस भाई। नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट अशरफ अज़ीज़ बुरट साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि रिवाइवल फॉर यूथ ने जो प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया और नौजवानों के साथ साथ उन्होंने खुदा के खादमीन को भी जो है वो इस प्रोग्राम में दावत दी और ख़ास करके पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए यहाँ पर दुआएँ की गई, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम है किस तौर से हमारी कौम की पहचान को आगे लेके जा सकती है या हमारी कौम को जो है वो पाकिस्तान में एक नुमाया जो है वो नुमाइंदगी दिला सकती है?
थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं सुहेल बुरर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रिवाइवल ऑफ यूथ के इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और इस बात की वो अक्कासी करता है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हम उसके बशिंदे हैं, हम मिनॉरिटी नहीं हैं बल्कि मेजॉरिटी हैं। हमारे मसावी हकूक जो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन में बताए, हम उसी पर कायम हैं। और सुहेल साहब ने और इस चर्च की सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया है कि जिसमें उन्होंने सारे पासवानों को, सारे सियासतदानों को, सारे नौजवानों को, सारी नौजवान बहनों को इकट्ठा किया है और उसे अपनी कम्युनिटी के हकूक़ के बारे में बताया गया है। आज जब हम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह को मनाने को हैं तो आज इस चर्च ने और सुहेल बुरट ने रिवाइवल ऑफ यूथ के प्लेटफॉर्म से इस पैगाम को आगे मैसेज डिलीवर किया है कि हम अपनी यूथ को, अपनी कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे रहकर इस मुल्क में रहते हुए मजहबी, समाजी, सियासी एहतसाल किया जाता है, उसको हम कैसे आगे लेकर चल सकते हैं और अपनी कौम का, अपनी कम्युनिटी का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं। और बहुत सारे मौजूद मेहमान आए जिसमें खादमीन थे, कुछ सियासतदान थे, कुछ नौजवान थे, जिन्होंने बड़े बखूबी और ऐसन अल्फाजों में ये बयान किया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। बेशक यहाँ पे हमारा मजहबी, सियासी, समाजी एहतसाल होता है लेकिन हम फिर भी इसमें हम बढ़ते और तरक्की करते जाते हैं। और हमारे चर्चिज जो पासवानों की सूरत में यहाँ पे इकट्ठे थे, उन्होंने इस बोझ को, इस मुश्किल वक़्त को जो आज मुल्क पाकिस्तान पे मुसल्लत है, इस बात को उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है कि आज ये मौका है कि हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती, बका के लिए हम दुआएं करें। ये सिर्फ सियासतदानों का काम नहीं है, मजहबी रहनुमाओं का काम नहीं है, बल्कि ये एक मसीही कौम का एक, मैं के समझता हूँ कि कलीदी एक काम है जो वो आज करने को तैयार हैं कि अपने कौम और अपने मुल्क के लिए, इसकी सलामती के लिए, इसकी बका के लिए दुआएं करें। बहुत सारे खादमीन ने यहाँ पे बाइबल की हिस्ट्री को भी बयान किया कि जब भी खुदा के लोगों पर मुश्किल वक़्त आता तो खुदा के लोगों को वो साथ लेके बैठते और खुदा के लोग जो थे वो इस मुश्किल घड़ी में अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं करते तो खुदा जो था वो फिर दोबारा से अपना मेहरबानी वाला हाथ, अपने रहम वाला हाथ बढ़ाता था और उस मुल्क को, उस कौम को बचाता था। मैं समझता हूं कि आज इस चर्च ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, सारे मजहबी लीडरान को, समाजी लीडरान को, सियासतदानों को यहाँ पे इकट्ठा किया है ताकि हम मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए, जुडिशरी के लिए, आर्मी के लिए और तमाम उन आला अदारों के लिए दुआ कर सकें जो आज संभलने का नाम नहीं ले रही। इस सारी मौशियत के लिए, सारी जो इकॉनमी जो नीचे दबी जा रही है और हम इस मुल्क पाकिस्तान में मुश्किल में गुजर रहे हैं, हम मुश्किल का शिकार हैं और हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं। आज हमारे पासवानों ने आज मिलकर इस यकजहती का इजहार किया है कि जब हम उठ खड़े होंगे, हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, बका के लिए दुआ करेंगे तो खुदा का हाथ बढ़ेगा और इस मुल्क पाकिस्तान को कामयाब करेगा, सरफराज करेगा और तमाम मुश्किलों से आज़ाद करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजीज शान साहब जो कि रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप के कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि आज का ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया ख़ास तौर से 14 अगस्त के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तौर से हमारी कौम की जो पहचान है, हमारी जो कौम का जो नाम है, वो मुल्क पाकिस्तान में किस तरह से रोशन कर सकता है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सुहेल भाई का और आस नेटवर्क का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया। और बीइंग अ यूथ कोऑर्डिनेटर ऑफ आरवाईएफ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ
कि इन्होंने इस प्रोग्राम को इस इनिशिएटिव लिया और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, मजहबी लीडर्स के लिए और जितने भी लोगों ने शिरकत की, मैं उनका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ। मैं RYF की खिदमात को जब देखता हूँ तो मैं बहुत खुश भी होता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इकदाम है उनका यूथ के लिए, और वो यूथ के लिए दर्द रखते हैं और वो सोचते हैं और समझते हैं कि नहीं, कि यूथ जो है किसी भी कौम का, किसी भी नेशन का जो बैकबोन होती हैं। तो मैं आज जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो यही किया है कि आज जितनी भी हमने दुआएं की हैं इसके वसीला से ज़रूर रिवाइवल आएगा और खुदा ज़रूर अपने जलाल को जाहिर करेगा। इसके साथ साथ आज इन्होंने SDG गोल के बारे में बताया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमारे चर्चेस में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत कम गाइड किया जाता है, और सुहेल भाई ने आज जितनी भी SDG की गोल्स के जितने भी डिमेंशनस हैं उनको बताया कि उनका पर्पज़ क्या है, वो उन्होंने इस गोल को क्यों स्टार्ट किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ज़रूर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक दफ़ा रीड करें और उसकी पहचान को समझें और उसको, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझ के माशरे में तरक्की ला सकते हैं। UN जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने ये स्टार्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, इन गोल्स को, कि वो इन गोल्स को लेके पूरी दुनिया में किस तरीके से रिवाइवल लेके आ सकते हैं। उनका एजेंडा ये है कि 2015 से लेके 2030 तक उन्होंने इन सब गोल्स पे वर्किंग करनी है और पूरी दुनिया में एक खुशहाली लानी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आस्ट नेटवर्क का भी, जिन्होंने शमूलियत की और जिनकी कोशिश की वजह से ये प्रोग्राम सारा हुआ। थैंक यू जिशान भाई। 14 अगस्त के हवाले से आपको नौजवानों को, क्योंकि आप एक नौजवान हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे? 14 अगस्त के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि बीइंग मिनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें और अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ें और नेक्स्ट मूव ऑन हो, क्योंकि अगर हम आगे की तरफ नहीं जाएंगे तो जिस तरह हम मिनॉरिटी कम हैं तो इन फ्यूचर भी हम कम ही रहेंगे। जो 2.5 हमारा है रेशो है पाकिस्तान में, वो 2.5 की 2.5 ही रहेगी, वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो जब तक हम अपने आप को एजुकेशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को बेटर नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो 14 अगस्त की आज़ादी में अपने आप को भी आज़ाद करें और खुशहाली लाएँ। 14 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रिवाइवल फॉर यूथ के वाइस प्रेसिडेंट जावेद साहब, और हम उनसे पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि सर ये प्रोग्राम जो है वो किस तौर से आप समझते हैं कि आज प्रे फॉर पाकिस्तान ये जो मैसेज है ये किस तौर से जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच जी। मसीह खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम को सलाम पहुंचे। आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स ने जो है मुख्तलिफ अनुमानात के तहत सिर हासिल गुफ्तगू की है, जिन पे प्रोसिक्यूशन पे बात हुई है और फिर दुआ पे हुई है, फिर मालियाती निज़ाम पर, इकोनॉमी पे बात हुई है, ठीक है, फिर औरतों के हकूक पर बात हुई है। तो सारे स्पीकर्स ने बड़ा अच्छा बोला है और ऑडियंस जो है ना सीखने का मौका मिला। तो ये सब कुछ जो हुआ है ये इसलिए हुआ है कि घर तरक्की करें, अगर घर तरक्की करेंगे तो शहर और फिर मुल्क हमारा तरक्की करेगा। सो एट द एंड सब ने मिल के पाकिस्तान के लिए दुआ की है, ख़ास तौर पर कि 42.9 ट्रिलियन कर्ज़ा जो है पाकिस्तान पे है। तो दुआ की है कि हम सब पे जो कर्ज़ा है ये कर्ज़ा ये सुनाम से जाता रहे और इस मुल्क की खेतियां हरी भरी रहें और ये कर्ज़ा वापस जाए और ये मुल्क जो है और इसके पासपोर्ट को जो है वो इज़्ज़त मिले पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हमें एक मकरूज़ मुल्क और भकारी नेशन समझा जाता है और दुनिया में हमारी उस तरह से इज़्ज़त नहीं जिस तरह से होनी चाहिए, इस वजह से कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज़ा है। तो हमने आज दुआ किया सारे चर्च ने मिलके, खुदा ये सारा जो ट्रिलियन 42.9 ट्रिलियन कर्ज़ा है ये जाता रहे और पर हेड जो कर्ज़ा आ रहा है $226 ये जाता रहे और हमारी इकॉनमी जो डिस्टर्ब है वो वापस अपने सुधार पे आए, मुस्तकीम की तरफ चले। सो हमने पाकिस्तान के लिए दुआ की है और अपने लोगों के लिए दुआ की और हमारा ईमान है कि खुदा दुआओं का जवाब देने वाला है। थैंक यू सो मच जी। 14 अगस्त पर हमारी ये दुआ है कि ये मुल्क इसी तरह आबाद रहे। थैंक यू सो मच जी। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप के प्रेसिडेंट सुहेल सादिक साहब, और हम उनसे पूछेंगे कि आज ये जो प्रोग्राम जो है वो 14 अगस्त के हवाले से सर यहाँ पे किया गया,
और ख़ास करके हम इस बात का भी आपके साथ जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं कि रिवाइवल फॉर यूथ जो है वो हर वक्त जो है वो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती रहती है, और क्योंकि इन दिनों में एक ये ख़ास इवेंट आने वाला है और जिसको हम 14 अगस्त की का नाम भी देते हैं और हम मनाते भी हैं, तो सर आप इस प्रोग्राम के हवाले से और ख़ास करके यहाँ पे जो आपने खादमीन को इकट्ठा किया उसका जो मकसद है वो हमारे नाज़रीन को जो है वो आप ज़रूर बताएं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ स्पेशली नेशनल चैनल्स का, जो कि जिन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त निकाल कर रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप के जो प्रे रिक्वेस्ट है प्रे फॉर पाकिस्तान उसके हवाले से वो आए हैं। असल में अरुण भाई, हमारा जो मकसद है प्रे फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अभी जो मंथ जा रहा है अगस्त का, 14 अगस्त को हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। मिनोरिटी हो मेजॉरिटी हो, हम सब खुशी के साथ इस बात का इजहार करते हैं कि हम आज़ाद हुए और हमें यह मौका मिला कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हम अपनी तमाम तर जो हुक है उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप को ये जो विजन दिया गया खुदा उनकी तरफ से, क्योंकि इस तरह इस वक्त जो हमारे हालात हैं पाकिस्तान के, क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है और डिफरेंट पहलू हैं, और ख़ास तौर पे हमने जो प्रोग्राम रखा गवर्नर्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली हमने आर्मी के लिए प्रे रखी है, पाक आर्मी जो कि हमारे लिए जाने देती हैं, और स्पेशल जो जुडिशली और पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि इन दिनों में जो हमारी जुडिशली है उनका बड़ा एक किरदार है कि जिस तरह पॉलिटिशियंस की वजह से पाकिस्तान में क्राइसिस आए हुए हैं और जुडिशली जो है वो उसको कंट्रोल कर रही है इंसाफ की बेस पे। और इसके अलावा हमने मिनोरिटी राइट्स के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान में रहते हुए हमें क्लियर ज़रूर हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम अपनी दरख्वास्त जो है अपने खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखें, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं हमारा ये बिलीव है कि जब हम दुआ करते हैं तो वो दरवाज़ों को खोल देता है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो 14 अगस्त है जो कि रिवाइवल ने प्रोग्राम रखा 9 अगस्त को, डिफरेंट चर्चिज से जो हमारे प्रे पार्टनर्स हैं वो पास्टर साहबान आए, उन्होंने एज ए आस्कर होते हुए प्रे रिक्वेस्ट सेंड की है ताकि खुदा के नाम को जलाल पहुंचे। और जिस तरह आस्तर ने, जब हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो आस्तर ने खुदा के जुर्म में 3 दिन का रोज़ा रखा और खुदा के जुर्म में झुकी और इसराइल के लोगों की जान की खलासी हुई। आज मैं भी ये समझता हूँ कि 14 अगस्त के हवाले से हर पाकिस्तानी को, भले वो मुस्लिम है भले वो अकलियत में है, हमें खुदा के हजूर में रखने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सस्टेंड हो सकें, वो किसी रुख की तरफ आ सके और हमारे मुल्क पाकिस्तान में पीस और जस्टिस की रूह काम कर पाए। सुहेल भाई, अभी हमने यहाँ पे देखा कि रिवाइवल फॉर यूथ की तरफ से एक मिली नगमा भी पेश किया गया और एक बड़ा ज़बरदस्त 14 अगस्त पे एक, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है जो कि रिवाइवल फॉर यूथ ने एक मिली नगमे की सूरत में, एक तराने की सूरत में दिया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा अरुण भाई के तराना बनाने का हमारा मकसद जो था रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप का, हमारी कौम जो मसीह नौजवान बेटियाँ और बेटे हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हमारी तारीख के जो हीरोज़ हैं उनका पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान में क्या किरदार है। और ख़ास तौर हमने जो फोकस किया है वो SP सिंगा साहब को फोकस किया है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए हमें गोली भी खानी पड़ेगी तो हम खाएंगे, और उन्होंने वोट पंजाब के हक में दिया। तो आज भी हर क्रिश्चियन, हर मसीह का ये हक है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए फिक्र करें ताकि हम पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजार सकें। और ये तराना बनाने का हमारा मकसद था कि हमारी नौजवान नस्ल इस बात से इनकर्ज हो कि पाकिस्तान में हमारे जो हीरोज़ हैं उनका एक किरदार है, तो हम भी उन्हीं की तरह हैं
अगर हम काविश करें, हम नेक दिली से अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें और तरक्की की तरफ गामजन होने के लिए हम एक हों, तो खुदावन सारे रास्ते खोलेगा। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जब अगले साल आप इसी तरह से कोई तराना बनाएंगे तो जो हमारे बाकी जो हीरोज़ हैं उनको भी, जैसे कि जस्टिस कर्नीलियस हैं या जो दूसरे हैं चौधरी सिसल साहब हैं, उनका भी आप जो है वो ज़रूर जिक्र करेंगे, ताकि हमारी जो माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उन तक जो हमारे हीरोज़ हैं उनका जो नाम है वो इसी तरह से पहुँचता रहे। तो अगर आप कोई 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं, ख़ास करके हमारी माइनॉरिटी को और ख़ास करके हमारी यूथ को, क्योंकि आप यूथ पर काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप यूथ के लिए इस 14 अगस्त पर जो है वो एक ऐसा पैगाम छोड़ें, एक ऐसा पैगाम उनको दें कि वो हमेशा से जो है वो अपने मुल्क के लिए मोहब्बत और अपने मुल्क के लिए जज्बा रखने वाली बन सकें। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा और ख़ासतौर नौजवान बेटों और बेटियों को कि अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की अहमियत रखें कि हम पाकिस्तानी हैं, मुल्क पाकिस्तान हमारी पहचान है। जब हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो खुदा भी हमसे खुश होता है, क्योंकि हम उसने हमारा चुनाव किया कि हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी कहलाए जाएं। तो बेशक दुनिया में रहते हुए जो अकलियत है, जैसा कि जब बरेज़गीर पाको हिंद था, तो तब जो हमारे मेजोरिटी हैं पाकिस्तान की मुस्लिम बरादरी, तब ये मिनोरिटी थे, आज हम मिनोरिटी हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को जागर करना है। पाकिस्तान की खिदमत के लिए हमारे बहुत से हीरोज़ ने अपनी जानें बख्शी हैं, अपनी जानें दी हैं, जैसा कि सिसल साहब हैं, जैसा कि कर्नीलियस साहब हैं, जैसा कि SP सिंगा साहब हैं, और भी बहुत से ऐसे खादमीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी तगोदो रखी और अपनी दुनिया की आखिरत तक पाकिस्तान के लिए जान देते रहे। और हमें भी हर वक्त इस मिशन में रहना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए अपने आप को हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, हम एक बार फिर से आपको इस प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जी नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से हर एक फ़र्द ने जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया कि हमें किस तरह से अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए अपने आप को पेश करना है, ताकि हमारा मुल्क जो है वो बदहाली की तरफ ना जाए बल्कि खुशहाली की तरफ जाए। और ये मुल्क पाकिस्तान जिसके हम बासी हैं, जिसके हम रेजिडेंसी हैं, और ये मुल्क हमें अपनी जान से प्यारा है, और ये 14 अगस्त का जो दिन है ये हम इसी तरह से जोश व खरोश के साथ मनाते रहेंगे और इस बात का इजहार करते रहेंगे कि ये हमारा मुल्क जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा, ताकि ये मुल्क जो है ये ऐसा मुल्क साबित हो कि पूरी दुनिया में इसकी एक पहचान हो, और जिसकी एक मिसाल जो है आज हमने देखी रिवाइवल फॉर यूथ ने उसका एक नमूना जो है वो पेश किया, और ख़ास करके खादमीन ने इस बात को जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाने की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की है, और ख़ास करके नौजवानों ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की है कि हमें किस तरह से अपने मुल्क की सलामती के लिए जो है वो दुआ करनी है। अब इस 14 अगस्त के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हर एक शख्स, हर एक इंसान जो कि इस मुल्क पाकिस्तान का रहायशी है, इस मुल्क पाकिस्तान में रहने वाला है, वो अपने मुल्क के लिए जब भी खुशी का इजहार करता है तो साथ ही साथ अपने मुल्क के लिए दुआ भी करे, ताकि हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़ की लानत से आज़ाद हो, हमारा मुल्क जो है वो ऐसे जो नाइंसाफ़ी का जो दौर दौरा है उससे आज़ाद हो, ताकि ये मुल्क हर एक माइनॉरिटी के लिए, हर एक मेजॉरिटी के लिए जो है वो खुशी और शादमानी वाला मुल्क साबित हो सके। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।